हेलो स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपसे चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है होपफुली आपने वो वीडियोस देखे होंगे और अगर आपको लगता है कि चैप्टर वन आपका प्रिपेयर है तो आप एक पेन और पेपर ले लें और पेपर के ऊपर वन से टेंथ तक नंबरिंग मैंशन कर दें इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस के बारे में जो कि चैप्टर वन के ऊपर ही बेस्ड है जब स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन अपीयर होगा तो उसके बाद में आप अपना वीडियो पॉज कर दें और अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं ईच क्वेश्चन के बाद में मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है ऑप्शन आर डाइजेशन ऑफ फूड रस्टिंग ऑफ आयरन डिजोल्यूशन ऑफ़ सॉल्ट इन वाटर एंड सेटिंग ऑफ मिल्क इन टू आप अपना वीडियो पॉज करके आंसर मैंशन करें एंड द आंसर इज डिज़ोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर क्योंकि यही केवल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कहेंगे कोई केमिकल सब्सटेंसेज जनरेट नहीं हो रहे हैं बाकी सभी प्रोसेसेस में नए सब्सटेंसेज बनते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं तो देखिए कह रहे हैं बिलो मैंशन केमिकल रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है और इसमें बता रखा है लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन हो रही है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट जनरेट हो रहा है अब ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल किसका है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑप्शन आपको ए बी सी डी करके रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो आप अपना आंसर मार्क कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो ये जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है ये यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरह भी काम कर रही है और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है इसका मतलब जो फर्स्ट और थर्ड हैं ये सही है और ये फर्स्ट और थर्ड आपको कहाँ दिए हुए हैं डी ऑप्शन में इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर होना चाहिए डी अब ये जो आपकी रिएक्शन है इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लेड आयोडाइड बनता है ये येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अपीयर होता है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई और यहाँ जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इनके कैटायंस और एनायंस एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं या कह सकते हैं कि रीअरेंज होकर नए प्रोडक्ट जनरेट करवा रहे हैं तो इसीलिए रिएक्शन एग्जाम्पल हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको चार रिएक्शंस दे रखी हैं और आइडेंटिफाई करना है कौन सी डी रिएक्शन है अपना आंसर मार्क कर लें आप और यहां आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन ए तो डी रिएक्शन में होता क्या है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है तो ये आपका करेक्ट आंसर है लेकिन अगर हम सेकेंड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई सी और जो डी रिएक्शंस हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये दोनों हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो इसीलिए आपका आंसर होगा ए और यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीनड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम सैंड पेपर से रब करते हैं किस चीज़ को रिमूव करने के लिए आपको ऑप्शंस दे रखें लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अदर इम्प्यूरिटीज एंड डर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव अपना आंसर मार्क करें और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से रिएक्शन कर सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ डर्ट भी प्रेजेंट हो सकती है तो यहाँ पर जो ऑक्साइड और जो कार्बोनेट की बनने की पॉसिबिलिटी है तो उनको हम क्या करना चाह रहे हैं इन डिफरेंट कंपाउंड्स को रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसीलिए बेटर क्या होता है कि उसको सैंड पेपर से रब कर दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आइडेंटिफाई द एग्जोथर्मिक प्रोसेसिस फ्राम दंग्स और आपको यहाँ पर चार नाम दिए हुए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सेलुलर रेस्पिरेशन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और आपके ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ मैंशन कर दिए हैं आप अपना आंसर मार्क करें अब हम इन ऑप्शन को देखते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती हो वो हीट की फॉर्म में हो सकती है अब हमें देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जब प्रोसेस कराया जाता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होती है तो इसका मतलब हम वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड का मतलब क्या अगर हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होती है तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा मतलब सेकेंड और थर्ड जो पॉइंट्स हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो फोर्थ वाला पॉइंट है जिसमें आपको बता रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन तो कैल्शियम कार्बोनेट के डीकम्पोजिशन के लिए भी हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो ये आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है फर्स्ट तो और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये एक्चुअल में आपकी एंड्रोथर्मिक रिएक्शंस हो गई करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आंसर होगा ऑप्शन बी तो यहां पर आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है आप इसको भी एक बार रीड कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इमीशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स टेक्स प्लेस कह रहे हैं कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स का इमीशन होता है अब आपको पूछा जा रहा है विच कंपाउंड इज रेस्पांसिबल फॉर दीज फ्यूम्स और यहाँ पर आपको चार नाम दे दिए लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ऑल ऑफ दीज अपना आंसर मार्क कर लें एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर है बी डेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इसके लिए आपको ये केमिकल रिएक्शन ध्यान होनी चाहिए जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ जनरेट हो रही है इसी के ही ये ब्राउन फ्यूम्स हैं लेड ऑक्साइड भी बन रहा है ऑक्सीजन भी बन रहा है लेकिन उनके कारण ब्राउन फ्यूम्स नहीं निकल रहे हैं इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कह रहे हैं आइडेंटिफाई दी मेटल विच डज नॉट अंडर गोज प्रोसेस ऑफ कॉरोजन ऐसा कौन सा मेटल है जो कॉरोजन जिसमें नहीं होता है चार ऑप्शन हैं आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड मार्क योर आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज डी इसके अलावा जो मेटल्स के नाम दिए आयरन कॉपर और सिल्वर सभी कुछ ना कुछ दूसरे कंपाउंड्स बना रहे हैं अगर आयरन की रिएक्शन हुई तो फेरिक ऑक्साइड बन गया कॉपर ने बना दिया बेसिक कॉपर कार्बोनेट और सिल्वर ने बना दिया सिल्वर सल्फाइड लेकिन जो गोल्ड है ये इनर्ट मेटल है नोबल मेटल है गैसेस से रिएक्शन नहीं करता है तो इसका कॉरोजन नहीं होगा क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सूटेबल टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन ऑयल्स एंड घी ऐसा कौन सा मेथड है जिसको काम में लेकर हम ऑयल्स और घी में रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं चार ऑप्शन हैं वैक्यूम पैकिंग रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन रिफ्रेजरेशन एडिंग एंटी अपना आंसर मार्क करें और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज़ बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जो ये आपको चारों ऑप्शंस दिए थे एक्चुअल में वो सारे मेथड्स ऐसे हैं जो कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं लेकिन हमें सूटेबल मेथड देखना है ऑयल्स और घी में रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं दो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं दैट इज़ बी एच एंड बी एच टी चाहे तो फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टालुइन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन आपको बता रखी है और इस केमिकल रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑप्शन आर एम एन सी एल टू सी एल टू एम एन ओ टू एंड एच सी एल इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिए और आप अपना आंसर मार्क कर लें करेक्ट आंसर इज एम एन ओ टू अब इस रिएक्शन को हम समझते हैं ठीक है आप अपना आंसर चेक कर लीजिए और अब यहाँ पर इस रिएक्शन पे ध्यान दीजिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है अब इसको हम कैसे समझें कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें से हाइड्रोजन हट गई तो ऑक्सीजन तो का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना वो होता है ऑक्सीडेशन तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरीन कन क्लोरीन जो है वो जनरेट हो रही है मैग्नीज़ ऑक्साइड की बात करें तो इसका रिडक्शन हो रहा है और मैग्नीज क्लोराइड जो है वो जनरेट हुआ तो यहाँ पर हुआ क्या ऑक्सीजन इसमें से हट गई अब लेकिन हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पहले तो हम वापस से देख लें ऑक्सीडेशन हुआ किसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हुआ फर्स्ट बात लेकिन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाया किसने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ही प्रेजेंट था दैट इज़ जो मैगनीज डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका ऑप्शन होगा चाहे आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए या आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए आपका ऑप्शन या कह दीजिए कि जो आपका आंसर है वो हमेशा रिएक्टेंट में से ही होना चाहिए प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है अगर आप सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में कहा होता कि रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करें तो हम किस तरह से इसको समझते कि पहले तो देखिए रिडक्शन हो किसका रहा है एम एन ओ टू का रिडक्शन हुआ इसका रिडक्शन किसने करवाया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने करवाया इसका मतलब जो एच सी एल है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और जो एम एन ओ टू है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ए कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को आपको डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं चार ऑप्शन दिए हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आप अपना आंसर मार्क कर लें एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर ए दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसको आप ध्यान रखने के लिए सिंपली एक ट्रिक ध्यान रखेंगे जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है ऑक्सीडेशन को हम सिंपली क्या कहें प्लस ओ माइनस एच ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है आप कहते हो कि नहीं मुझे तो रिडक्शन को डिफाइन करना है तो इसका जस्ट आप रिवर्स कर दें दोनों चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको सिंपली मेमोराइज क्या करना है जब भी भी ऑक्सीडेशन की बात आए तो इट मीन्स हमारे दिमाग में आना चाहिए प्लस ओ और माइनस एच ठीक है होपफुली आपको ये समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर कीजिए और चाहें तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही